कुछ नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण बीच में बाधा भी पड़ी है। हमारे वो सभी स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन कल है, जेईई मेन 2018 का ऑफलाइन एग्जामिनेशन कल है, ऐसे सारे बच्चों के लिए आज का यह एक स्पेशल लाइव शो है जहां हम अपने सारे बच्चों से मुखातिब होना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, सालों भर खुद को जोड़ा है, अपने बहुत सारे शौकों को, अपने बहुत सारे उन चीज़ों को जो उनके दोस्त करते रहे, उसको छोड़कर उन्होंने तैयारी की जेईई मेन को लेकर के। उनकी परीक्षा कल है और शायद ये उनके संभावनाओं का भी कल दिन है कि कितना अपने आप को उठा पाते हैं। एग्जामिनेशन के अंतिम दौर में आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद को जोर नहीं पाते, जो बच्चे खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमने जितनी तैयारी की है, ये सारी की सारी तैयारी का कोई अर्थ नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे ने तैयारी तो कर रखी है लेकिन एग्ज़ाम के डर से वो खुद पे कॉन्फिडेंस खोते हैं। उन्हें लगता यह है कि हम जितनी तैयारियां किए हैं ये नाकाफ़ी है। हम सारे बच्चों को कहना चाहेंगे कि आपने जितनी तैयारी की है यह तैयारी काफ़ी है। अब आज अभी से लेकर के कल सुबह तक आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी क्या करनी है। आपके जितने सारे पढ़े हुए टॉपिक्स थे, जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ा है, एग्जामिनेशन के पैटर्न को आपने देखा है, आपने खुद का टेस्ट भी लिया है, आपने खुद को जोड़ा भी है इस एग्जामिनेशन को लेते हुए, लेकिन अब जो मौका है, अब जो बात है वो बात दूसरी है। अब बात यह है कि आप खुद को कितना स्थिर कर पाते हैं। अब बात यह है कि आप खुद को कितना शांत रख पाते हैं। अब बात यह है कि आप खुद को कितना स्थिर बना पाते हैं। सबसे सही बात तो यह है कि हमारी मेमोरी में, हमारे याद रखने के तरीके में सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वह चीज़ यह है कि आप कितना खुद को रिलैक्स रख पाते हैं। आपका रिलैक्सेशन ही आपके साथ बहुत बड़ा किया हुआ प्रयोग है और आपको इस प्रयोग से गुजरना चाहिए। जितनी सारी बातें आपने पढ़ी हैं, जितनी चीज़ों को आपने अभी तक देखा है, इन चीज़ों को आप कितना एकाकार कर पा रहे हैं, कितना जोड़ पा रहे हैं खुद के साथ। आपको मालूम है, आपको ही डर नहीं लग रहा होगा, आपको ही टेंशन नहीं होगा कल के एग्जामिनेशन को लेकर के। जितने सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया है, जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कहता है कि लगभग 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए। ये 12 लाख बच्चे जो एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं और इसमें से जो बच्चे एग्जामिनेशन में कल बैठने वाले हैं, उन सब के अंदर इस चीज को लेकर के एक असमंजस की स्थिति जरूर होगी। ये कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, हम कैसे खुद को तरीके से जोड़ पाएंगे, कैसे हम खुद को वहां तक पहुंचा पाएंगे जिस चीज के लिए हमने मेहनत कर रखी थी,
हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या उस कैटेगरी में हमारा कट ऑफ जाएगा? क्या जेई मेन का जो एग्जामिनेशन है वो हमारे उस लेवल तक का होगा जो हम सोच पा रहे हैं? मन में बहुत तरह की उहापोह की स्थिति है, डरा हुआ है मन, अंदर से मन खुद को ही भड़मा रहा है। आप विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं, सबसे पहले खुद पर। आदमी की पूरी चेतना, आदमी की पूरी एकाग्रता और आदमी के पूरी जो अभिलाषाओं को पूर्ण करने की जो ताकत है वो आदमी के ही अंदर है। आप खुद को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले को देखिए, उस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के हैं, बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ अटैच्ड हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का उसमें यूज है। उन सारे कॉन्सेप्ट को आप वॉच कीजिए, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलिए, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलिए। और वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स पे आपकी पकड़ कैसी है, आपकी पकड़ कैसी है, ये देखना आपका विषय है। और आप देखिए, और इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा प्रयोग करना चाहिए। वो क्या प्रयोग करना चाहिए? इस लास्ट मोमेंट में हमारा प्रयोग क्या है? हमारा एक ही प्रयोग है कि हम कैसे खुद को, कैसे अपने आप को उस जगह पहुंचा पाए जिस जगह पे हमने खुद को सोचा था। आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चों ने पूरी तैयारी की है, पूरा मेहनत किया है, उन्हें कोरिलेट करना नहीं आ रहा है कि कैसे हम आप खुद को कोरिलेट कर लें। बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई के पूछने का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो पैटर्न यह है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चंस में बहुत सारे टॉपिक्स मिले हुए होते हैं। हमें खुद को अब उस लास्ट मोमेंट के लिए तैयार करना है, जैसे लास्ट मोमेंट में हम खुद को कितनी तैयारी के साथ जोड़ सकते हैं। अब बाहर की दुनिया को नहीं देखना है, बाहर अपने फैलाव को नहीं, जितना फैलना था हम फैल चुके हैं, अब खुद को समेटने का समय है, खुद को अपने अंदर घुसाने का समय है। अंदर ही अंदर जो हमारा अपना उद्बोधन है, अंदर का जो हमारा अपना एनालिसिस है, उस एनालिसिस को देखने का समय है। हमें यह देखना है, यह हमारा जो वे है, जो सोचने का तरीका है क्वेश्चंस को लेकर के, और कितना प्रगाढ़ हो पाया है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, उस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को हम कितने तरीके से देख पा रहे हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को हम कितना सोच पा रहे हैं, इसका नाम जेई का एग्जामिनेशन है। जेई के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो बहुत भारी होते, बहुत टफ होते। जेई में ऐसे क्वेश्चन होते जो क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लेकर के हमारी अपनी जो एनालिसिस है, वह एनालिसिस कैसी है, हमारा एनालिसिस किन चीजों को लेकर के प्रगाढ़ है, हमारा एनालिसिस क्या इस चीज को लेकर प्रगाढ़ है कि हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के दिए हुए डाटा को हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, और जो डिमांड कर रहा है उस डिमांड तक सोचने का वे क्या है हमारा। हम फोकस्ड हैं,
हमें अब अपने आप को क्वालिटेटिव देखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव हमें अपने आप को देखना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है खुद को। इस लास्ट मोमेंट में अब बहुत कुछ पढ़ने का नहीं है। हमने जो सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, जो हमने अपनी पढ़ाई के दौरान पूरे साल भर, दो साल जो बनाया है, उस नोट्स को देखेंगे। हम उन चीजों को देखेंगे जिन चीजों को हमने पढ़ा है पहले से, हम कुछ नई चीजों को नहीं देखेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है, उस पर जो हमारा अपना एक शोध है, जो हमारा रिसर्च है, जो हमारी जो मेहनत है, हम उसको देखेंगे। हम इन चीजों को देखेंगे, हमारा जो वे है, जो हमारा टेक्निक है, वो टेक्निक कितना अच्छा है। हमें ये भी देखना है कि हमारा जो वे है, वह वे सच में क्या जेईई एग्जामिनेशन को लेकर के है या नहीं है। क्या हम उस लेवल तक क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं जिस लेवल तक हमें सोचना चाहिए। क्या हमारा वे उस चीज को टच कर पा रहा है जो जेईई का अपना लेवल है। हमें इन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा जो वे है, वह वे आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन को, हमारा जो वे है, क्या वो आईआईटी जेईई के लेवल को सोच पाने में समर्थ है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तीनों के वेटेज बराबर हैं, 30, 30 और 30, तीनों 30-30 क्वेश्चंस के हैं। हर एक सेक्शन जो है वो 120 नंबर का है। हमें ये देखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का हो। और सीरियल वाइज ही तो होता ही है, उसमें बना हुआ हमारा सर्कल। फिजिक्स के मान लेते हैं हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, हो गया हमारा, तो देखते हैं केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। केमिस्ट्री के पेपर को पलटा, फिर देखते हैं मैथमेटिक्स का कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी मूड में हम कितना सॉल्व कर लेंगे। फिर देखा हमने फिजिक्स में, फिर जाकर के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सोचने वाले थे, तो उसको वॉच कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, फिर केमिस्ट्री को भी देख रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स को भी देख रहे हैं, फिर ये भी देख रहे हैं कि क्या हमारे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस को बहुत सोचना पड़ेगा, तो लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं उसको, उसको भी वॉच करना है, उसको भी देखेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट यह है कि हमारे साथ क्वेश्चन को लेकर के एनालिसिस कितना अच्छा है, हम कितना एनालाइज कर पा रहे हैं। और जितना हम एनालाइज कर पाएंगे, जितना हम सोच पाएंगे क्वेश्चन को लेकर के, उतना ही ज्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोड़कर लास्ट मोमेंट में हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को वॉच करना चाहिए। क्वेश्चन के जो अलग 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 रूप हैं, क्वेश्चन जो अलग अलग वैरायटीज का है, हमें उस क्वेश्चंस को देखना चाहिए। ये क्वेश्चन की वैरायटीज क्या है। अभी लास्ट मोमेंट में, अभी से लेकर सुबह तक, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का वैरायटीज कैसा है। हमारे क्वेश्चन का जो वैरायटीज है, वो क्वेश्चन का वैरायटीज दिख रहा है कि नहीं। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखें जो हमने पूरी क्लास नोट में पढ़ा है। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को शांत रखें, अपने आप को थोड़ा स्थिर करें, शांत करें। जेईई का एग्जामिनेशन कोई भूत नहीं होता, इतने सारे बच्चे रिजल्ट निकालते, आपके पास ताकत है यार, आप रिलैक्स कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, लोगों की बातों में मत जाइए। आप जितना अपने आप को स्थिर कीजिएगा, आप जितना आप अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को ज्यादा एनालिटिकल, ज्यादा अपने आप को शार्प, ज्यादा अपने आप को पॉइंटेड महसूस कीजिएगा। आराम से रिलैक्स होकर के, हम कहते हैं खुद पे बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिलीव कीजिए खुद पे, आप रिलैक्स होकर के पूरी मस्ती में, आपने जो पूरी तैयारी की है, उस पूरी तैयारी का कल का आपका एक प्रतिफल है। कल जो रिजल्ट हो रहा है, वह रिजल्ट
आपके अपने खुद को, अपने आप को जोड़े रखने का और अपने आप को मेंटेन्ड रखने का रिजल्ट है कल। कल वो सारे बच्चे अच्छा करेंगे जो बच्चे खुद को शांत स्थिर बनाए रखेंगे। कल वो सारे बच्चे खुद को स्थिर बना पाएंगे जिन लोगों ने ये प्रयोग किया है शांत रहने का। ये शांत रहने का प्रयोग ही हमें जीवन में सफल बनाता है। हमें रिलैक्स रहने का प्रयास करना चाहिए। हम शांत स्थिर होकर सोचे, हमने जिन जिन चीजों को पढ़ा है उन सभी चीजों को एनालाइज करें, उन सब चीजों को देखें। जेई मेन के एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बहुत अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सारे बच्चे जो खुद को जितना रिलैक्स्ड होके सोच पाते हैं, वो सारे बच्चे जो खुद को जितना स्थिर रख पाते हैं, उनका रिजल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिसल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो खुद को रिलैक्स रखते हैं, शांत रखते हैं, अंदर से पूरा रिलैक्स रहते हैं, उनका रिजल्ट होता है। मेरे सारे बच्चे, आपके साथ मेरी एनर्जी है, आप पूरी अपनी ताकत से जुड़िए, अपनी पूरी ताकत को जोड़िए, बनाइए, लगाइए अपने काम में। आपको आइडिया है कल का जो जेई का एग्जामिनेशन है, वह एग्जामिनेशन आपके अपने मानसिक अवस्था का भी परिचायक है। आप मेंटली खुद को कितना स्थिर कर पाते, आप मेंटली खुद को कितना अलाइंड रख पाते, आप मेंटली खुद को कितना रिलैक्स रख पाते, इसकी भी परीक्षा है कल यह एग्जामिनेशन। हमें इस बात के लिए भी तैयार करता है कि कैसे हम खुद को, अपने आप को रिलैक्स रख पाते ऐसे कंडीशन में, जिस समय सारे बच्चे खुद को जोड़े हुए हैं, अपना द बेस्ट लगाने में लगे हुए हैं, उस समय कोई बच्चा खुद को कंफ्यूज्ड नहीं कर सकता। आप कंफ्यूज्ड मत होइए खुद से, मैं जो कहता हूं उस पर चलिए। आपकी सफलता संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही सुनिश्चित है। आप लगिए इस चीज में, कल आप एग्जामिनेशन में जाइएगा, आपका सुबह बहुत ही उत्साहपूर्ण होना चाहिए, आप बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में होने चाहिए। आपका जो वे है वो वे बहुत ही शांत होना चाहिए, बहुत ही शुभता से भरा हुआ पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहिए। लोगों के बारे में, खुद के बारे में बहुत ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ कल कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन में जाएगा और एग्जामिनेशन देगा, जिसके खुद पे बिलीव बहुत ज्यादा है, जिसको खुद को, अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का जज्बा है, खुद को उठाने का जज्बा है, खुद को आगे ले जाने का जज्बा है। हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं। हमारे वो सारे बच्चे, जो सारे बच्चे कल जेई मेन का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ऑफलाइन परीक्षा में कल सम्मिलित होने वाले हैं, वो सारे बच्चे हमारे तीन सूत्रों को याद रखें। तीन फार्मूला है जेई मेन को क्वालिफाई करने का। पहला जो फार्मूला है, और पहला फार्मूला है खुद को शांत, खुद को स्थिर करने का प्रयास। शरीर से ही नहीं, मन से ही नहीं, चेतना से, कॉन्शसनेस से, आपका जो कॉन्शसनेस है, आपका जो अंदर का जो जो एक वेव है, जो तरंग है, वो पूरा स्थिर हो जाना चाहिए। आपका एक रिदम आना चाहिए एग्जामिनेशन को लेकर के, आप उस रिदमिक एक्शन के एक पार्ट हो जाइए। आप शांत हों, स्थिर हों, सहज हों, सरल हों, शुभ हों, और यही मार्ग है रिजल्ट होने का। अब आप स्थिर होइए। दूसरा, आप पॉजिटिव सोचिए। आप ये सोचिए कि आप कल एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्नों को आप सोच पाएंगे, और उन प्रश्नों को आप सोच पाएंगे, उन प्रश्नों को एकाकार कर पाएंगे, खुद से जोड़ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, खुद के साथ अटैच कर पाएंगे। और तीसरी चीज, इस प्रकृति पर विश्वास रखिए। इस प्रकृति की जो अपनी ऊर्जा है, ऊर्जा आपसे प्रवाहित हो,
आपके शरीर के हर एक रोए रोए से वह निकले, वो जाए, वो बहे। आप खुद को ऐसा बना लें कि प्रकृति की धारा आपसे बहने लगे, आपसे निकले, आप इतना स्थिर हों। अंदर से कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, अंदर से कोई ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, अंदर से कोई तरह का कोई उत्तेजना इस तरह की नहीं हो जो आपके बंधन का कारण बने, जो आपको बांधे, जो आपको उच्चतम ऊंचाई तक जाने में रोके। रुकिए, सोचिए इस चीज को, ये रिजल्ट है। अपनी पूरी पढ़ाई की, अपनी पूरी चेतना की, अपने पूरे इंटेलेक्ट को खोलिए। कल का दिन आपका दिन है, कल आप जीतने के लिए जा रहे हैं और आप जीतेंगे, और इसकी पटकथा आपने लिख रखी है। आपकी पढ़ाई के क्षण गुजरा हुआ हर एक वो क्षण जिस समय आपने खुद को जोड़ा है पढ़ाई से, वो सारा क्षण, वो सारे मोमेंट जिस समय आपने खुद को जोड़ा है, वो सारे मोमेंट कल गवाही बनेंगे एग्जामिनेशन में कि आपको सफल होना है। धरती पर अगर एक बच्चा भी जी एग्जामिनेशन में खुद को सफल कर पाया है तो कोई भी कारण नहीं है कि आप सफल नहीं कर सकते। आप सफल होंगे, और आपका सफल होना ही इस बात का प्रमाण है। इसलिए इस बात का प्रमाण है क्योंकि आपको इस जीवन में बहुत सारी पटकथाएं लिखनी है, और आप लिखिएगा, और आपको इस जीवन में बहुत कुछ दिखाना है। आपको अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा को दिखानी है, और आपको दिखाना ही होगा। कल के एग्जामिनेशन में आपको द वेस्ट देना है, और ये आपने आपसे प्रवाहित ऊर्जा जो प्रकृति की अथाह ऊर्जा है, जो अदम्य शक्ति है, वो आपसे प्रवाहित होने के लिए आतुर है। आप खुद को इतना शांत स्थिर ऐसा सुपात्र बनाइए कि आपसे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो, शांत हो जाइए। कल का एग्जामिनेशन बहुत ही सुंदर होगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वो आपके अंदर की उपज है, आपके अंदर का इमेजिनेशन है, वो आपके अंदर की जो एक आतुरता है, उत्कंठा है, जो आपकी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा एक बड़े रूप में आएगी, और वो आपको आपको जगह दिलाएगी, वो आपको स्थान दिलाएगी। जहां चाह होता है वहीं राह होता है, जहां कहीं भी चाह है वहीं राह है। अब चाहिए बहुत ही शांत होकर के, अब हड़बड़ाएंगे नहीं, एग्जामिनेशन में जाएंगे, बैठेंगे, सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना, जो क्वेश्चन पढ़िए सॉल्व कीजिए, उसका आंसर लिखिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का एक राउंड चलिए, फिर दूसरे राउंड से भी देखिए। फर्स्ट राउंड में जो इजी लगे वो बना दिया हमने, सेकंड राउंड में देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन हमारे इजी थे, बन गए थे, लेकिन ये तो सोचने वाला है, सोचने वाला क्वेश्चन है तो और सोचेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, स्थिर होके बनाएंगे, हड़बड़ा के नहीं बनाएंगे, निगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएगा। और तीसरा, वो सारे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे हमारा कट ऑफ कहीं घट तो नहीं रहा है, जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स कहीं नहीं आ रहे हैं, हम ट्राई करेंगे। मुझे रिजल्ट चाहिए कल, और तुम रिजल्ट दे सकते हो, तेरे पास है ताकत, चाहे तुम हमसे पढ़े हो चाहे तुम हमसे नहीं पढ़े हो, तुम जिन किसी टीचर से पढ़े हो उन टीचर का सम्मान, उन टीचर की मेहनत और तुम्हारे माथे से टपके हुए पसीने, इन सब का रिजल्ट कल है, और तुम दे सकते हो। तेरे अंदर जो ताकत है उस ताकत को तुम्हें उभारना है, एक बड़े फलक पर ले जाना है, और ये होगा किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं। एग्जामिनेशन है भाई, आप तो एग्जामिनेशन देते ही रहे हैं, हर एक साल में कम से कम दो तीन एग्जामिनेशन तो देते ही रहते, वन से लेकर टेंथ तक भी, और टेंथ के बाद आपके एग्जामिनेशन का तो पैटर्न और बढ़ गया। आप रिलैक्स होकर के, शांत होकर के बढ़िया से एग्जामिनेशन दीजिए, और बहुत अच्छा कीजिए। कल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, बहुत टफ एग्जामिनेशन कल का नहीं होने वाला है। बहुत रिलैक्स होकर के, बहुत शांत होकर के आप एग्जामिनेशन में जाइए, रिलैक्स होकर के दीजिए, और IIT JEE को क्रैक कीजिए,
जेई मेन एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, आपके जो कट ऑफ है उसे बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा अच्छे अच्छे कॉलेजेज में। पहले तो आप तैयार होइएगा जी एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, एक कट ऑफ लाइएगा तो जी एडवांस में बैठिएगा। तो ये पहली सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को कल आपको तय करना है, इस सीढ़ी को कल आपको दूर करना है, इससे आपको ऊंचा उठना है। आपके साथ आपके माता पिता का, आपके सगे संबंधियों का, आपके शुभचिंतकों का, आपके टीचर्स का, इस प्रकृति का, इस संपूर्ण सकारात्मकता का इतना बड़ा एक प्रवाह है, और इतने बड़े प्रवाह को आपको दिखाना है, और आप दिखाएंगे, और आप में है वो काबिलियत। सिर्फ और सिर्फ खुद को स्थिर करने का प्रयास कीजिए, खुद को शांत करने का प्रयास कीजिए, और अपने आप को लगाइए, एक बड़ी फलक पे लगाइए, बड़ी ताकत में लगाइए, खुद पे विश्वास रखिए, और देखिए कि क्या सच में ये संभव है। तो हाँ है, जितनी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको, आप सिर्फ उसी को देखिए रात में। अब आपको नहीं परेशान होना है इस चीज के लिए, हम नया नया कुछ कुछ पढ़ लेंगे तो नंबर हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा होता है एग्जामिनेशन के रात में बच्चे कुछ नया नया चीज पढ़ने का सोचने लगते हैं। नहीं, नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा उसको स्थिर करो। कभी कोई मन करे जो पढ़ा हुआ नोट्स होगा पलट दिया, थोड़ा उसको देखा, हाँ ये भी देखना था, अच्छा ये भी देखना था, अच्छा ये भी देख लिया। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखा, सोचने के तरीके को देखा, कितना सोच सकते थे हम, कितना सोचा जा सकता है क्वेश्चन को, क्या वे है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसको देखना है। अब बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा होगा कल का आपका एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं, आप सभी लोग अच्छा करेंगे। रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, अपने आप में डूबिए, अपने आप को पाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग, कल हमारी सारी बातों को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, शांत रहने का प्रयास करेंगे, खुद को खुद से जोड़ने का प्रयास करेंगे। घबराना मत, रिलैक्स रहना, अच्छा होगा, सब सुंदर होगा। खुद पे शंका मत करना, खुद पे अगर शंका हुआ, खुद पे अगर कन्फ्यूजन हुआ, खुद पर अगर संदेह हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। संदेह नहीं करना खुद पे, तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुमको भी नहीं मालूम है। रिलैक्स होकर रिवाइज कीजिए। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट आप सभी लोग, मजबूत बनिए, आगे बढ़िए। अपने सारे गार्जियन का, अपने सारे टीचर्स का, अपने सारे लोगों का आशीर्वाद लीजिए, और लाइफ में एक बड़े मकाम तक जाइए। लव यू ऑल, टेक केयर। जिंदगी ऐसे बहुत सारे इम्तिहान लेती है, और हमें हमेशा अपने सारे इम्तिहान में खुद को मजबूत करना होता है, मजबूती से दिखाना होता है, डरना मना है, और खुद को प्रमाणित करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।